अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी हाजी साहब, आपका नाम? मोहम्मद सादिक सिद्दीकी। मोहम्मद सादिक सिद्दीकी जी, आप कहाँ से आए सर? बॉम्बे से आए। बॉम्बे से? मोहम्मद अली रोड। मोहम्मद जिया भाई के साथ में आए? हाँ, जिया मेरा कजिन है। अच्छा, कजिन है। आप मोहम्मद अली रोड पे रहते हो प्रॉपर? जी, जी। अच्छा, कैसा लग रहा है सर आपको आकर के हमारे टूर में, रहा टूर ऑफ इंडिया में? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी फुल्ली सेटिस्फाइड फॉर दिस टूर। अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग फॉर उमरा? यस। अच्छा, इससे पहला कभी आप उमरा के लिए नहीं आए? कोई दूसरे टूर से भी नहीं आए? अच्छा, तो आप आने से पहला एक इंसान को फिक्र होती है कि भाई उमरा पे जा रहे हैं, अभी इनके साथ फर्स्ट टाइम किसी के साथ जा रहे हो, तो डर रहता है इंसान को भाई वहाँ जाके पता नहीं कैसा रखेगा, खाना क्या देगा, क्या होगा, तो एक इंसान के दिल में डर होता है। तो आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ उसके बाद? मेरे दिल में डर बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज जिया जो है लास्ट ईयर भी आकर गया था जी, और लास्ट ईयर भी फुल्ली सेटिस्फाइड था जी, और उसने इंसिस्ट किया कि भाई राहत टूर से बेस्ट अपने लिए कोई भी नहीं है, हम जाएंगे तो इसी के साथ ही जाएंगे। अच्छा, इसीलिए मैं बेफिक्र होकर अल्लाह का नाम लिया। अच्छा, तो मतलब जिया भाई के कमिटमेंट में आप आए उनके जी, साथ जी, में। तो अभी आपको पर्सनली कैसा फील हुआ? अब मुझे आने के बाद ऐसा लगा कि उसका डिसीजन बिल्कुल सही था और मैं खुद भी फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, और मैं भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यही सजेस्ट करूंगा कि मतलब अगर नेक्स्ट टाइम आना हो तो राहत टूर से ही आए, बिकॉज उसमें खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, होटल्स वगैरह काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से सब सेटिंग किया हुआ है, और होटल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे इंतजाम हैं, लॉटरी की सर्विसेज अच्छी हैं, जियारत के लिए आप लोगों ने मौलिम का इंतज़ाम बहुत अच्छा तरीके से किया हुआ था, और जिसकी वजह से हम लोगों को जो मालूमात नहीं भी थी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से खुल के समझाया, जो हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छी बात है। ठीक है सर, कुछ सजेशन देना चाहोगे कि और कुछ सुधार होना चाहिए? समझें सुधार ये होना चाहिए कि मतलब ज़ईफ लोगों के लिए होटल थोड़ा दूर पड़ जाता है, होटल कर लेकर। हाँ, उस हिसाब से बस यही। उसके अलावा बाकी सारी सर्विसेज सही है? सारी सर्विसेज एकदम बेस्ट, बाकी एकोमोडेशन, जो क्वालिटी ऑफ होटल है, मतलब इंसान होटल में आने के बाद में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और खाना पीना वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह सब बराबर टाइम अप टू डेट चल रहा है। जिस हिसाब से आपका प्राइस है उससे बहुत अच्छा आपके क्वालिटीज़ है, लॉन्ड्री सर्विसेज है, और होटल का लोकेशंस, होटल की मतलब लग्जरीज बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा सर। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।